नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सुजीता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जतारा तहसील प्रांगण में कांग्रेसियों द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन एवं दिया गया ज्ञापन। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव चल रहा है, जिसमें से पृथ्वीराजपुर में उपचुनाव हो रहा है, जिसमें कांग्रेसियों द्वारा भाजपा सरकार एवं मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इशारे पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पृथ्वीपुर विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एवं बूथ एजेंडों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं द्वारा आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जतारा तहसील में धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा एवं कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर जतारा ब्लॉक के समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जतारा से लाली झा की रिपोर्ट। को प्रभावित करने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाकर झूठे मुकदमे लगाकर हम चुनाव आचार संहिता खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि पृथ्वीपुर उपचुनाव चल रहा है, पृथ्वीपुर उपचुनाव में भाजपा के शासन द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं और जो हमारे बूथ एजेंट बनने वाले थे उनको वहाँ से गाँव से भगाया जा रहा है कि आप इस केस में आपकी तलाश जारी है। और भाजपा के प्रचार में कल रात तक गोर क्षेत्र में व मोहनगढ़ क्षेत्र में छतरपुर के लोग जो भाजपा के नेता हैं वो खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि टीकमगढ़ विधायक श्री राकेश गिरी भी दिगौड़ा क्षेत्र और बिजरावन में पोलिंग पर जा रहे हैं, जबकि ये चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। इसीलिए हम लोगों ने आज पूरे ज़िले में हर ब्लॉक स्तर पर ये धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम कि अगर ऐसा ही उल्लंघन व चुनाव होना है तो निश्चित रूप से वोटिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। सामने वाले को रिटर्निंग ऑफिसर सीधा प्रमाण पत्र दे दे। अगर इस टाइप की अगर जोर जबरदस्ती और मतदाताओं के साथ की जा रही है तो ये बिल्कुल न्याय के खिलाफ है और हम लोगों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है।